get more such videos on law, do subscribe our channel Logical Guruji and hit the bell icon for notification and update. Hey guys, what's up? कैसे आप लोग? तुषार वाड़ दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल गुरुजी। गाइस, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक बहुत सिंपल सा है गाइस। मुझे कई दिनों से कई बच्चों के क्वेरीज आ रही थी। अभी रिसेंटली हमारा रिजल्ट भी आया था 25 फेब को, और कई बच्चों ने मुझे कहा कि सर हमसे एग्जाम CS की पास नहीं हो रही है, और वो बच्चे नॉर्मल एग्जीक्यूटिव गए और हमसे एग्जीक्यूटिव की एग्जाम पास नहीं हो रही, हम एक ग्रुप दे रहे हैं, ICSI पास नहीं कर रहा, ICSI चाहता है कि वो हमको फेल करते हैं, एंड देर आर मेनी क्वेश्चंस विच वर रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स। बट इसी दौरान एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसने प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप एक ही समय पर निकाले, और पता है उसकी एज क्या है? 20। 20 साल की उम्र में तीनों ग्रुप प्रोफेशनल के क्लियर। अब बताइए सर, ऐसे बंदे के बारे में हम क्या बोलेंगे? और आप कहते हो कि सर हम लोग बात पास नहीं कर सकते, तो आज हम लोग वही बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे कोई बंदा तीन ग्रुप पास कर सकता है प्रोफेशनल में। और उस बंदे को मैंने देखा है एग्जीक्यूटिव से भी, उसने वहाँ भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अपने एग्जाम्स को पास किया था, और फिर प्रोफेशनल में तीनों ग्रुप पास करके अब बस ट्रेनिंग बची हुई है, एंड देन ही विल बी कॉल्ड एज अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। सो व्हाट ही हैज डन, व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन व्हाइल क्लियरिंग द एग्जाम्स, पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, व्हाट्सएप या फेसबुक या सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और क्या 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 स्ट्रेटेजी होती है प्रॉपरली एग्जाम के 9 महीने से करना पड़ता है, 6 महीने से करना पड़ता है, कि एग्जाम के 2 महीने पहले भी आप स्ट्रेटेजी बना करके पास हो सकते हो। इन सारी बातों को जानने के लिए हम लोग आज बात करेंगे। हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हो चुके, क्योंकि हमारे साथ अभी कलीग बन चुके हैं। ही इज ऑल्सो क्वालिफाइड CS नाउ बिकॉज ही हैज क्लियर्ड द एग्जाम्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सो आई वेलकम स्पर्श उड़ानी, CS स्पर्श। सो गाइस, ये है, आप इनको देख सकते हो, ऐसा दिखता है बंदा जो नॉर्मली 20 साल की उम्र में CS पास हो जाता है। सो अगर आपको लगता है कि कौन ऐसा दिखता है, तो ये रहा आपके सामने स्पर्श डोडानी। तो स्पर्श, कैसा लग रहा है आपको? मतलब आपने जो तीनों ग्रुप पास किए एक साथ, व्हाट इज द फीलिंग, कैसा लग रहा है? सब मतलब वो फीलिंग ऐसी है जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत अच्छी फीलिंग है एक्चुअली। मतलब जो भी बंदा पेपर देता है तो यही सोच के देता है कि मेरा क्लियर हो जाए, मैं मतलब अच्छे से मार्क्स स्कोर करूँ, सब अच्छे से हो जाए, रैंक आ जाए। बट तीनों ग्रुप एक साथ क्लियर करना मुश्किल जरूर हो जाता है, पर ऐसा नहीं बोलूंगा कि नामुमकिन है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, बट आसानी से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करते हैं बच्चे। आपको तो ज्यादा अच्छे से पता होगा, करते हैं बच्चे। मैंने भी किया, और भी मेरे एक दो दोस्त हैं, उनका भी क्लियर हुआ। बट ठीक है, फेल भी होते हैं, बट हो जाता है, मेहनत लगती है, सब अच्छे से हो जाता है। कैसे मार्क्स थे तीनों ग्रुप में, मार्क्स कैसे पड़े थे? मतलब सब में अच्छे मार्क्स आ गए थे कि सेट ऑफ का भी फायदा मिला था? सर सिर्फ जो फर्स्ट ग्रुप था मेरा, वहाँ पे 149 आया था एक्चुअली। मतलब कंपनी लॉ में जो आपसे वीडियो लेक्चर्स थे उसमें 58 मार्क्स है। DD में मेरे को थोड़ी मेहनत मतलब और करनी चाहिए थी, बिकॉज इतने सारे पेपर्स थे, तो थोड़ी शायद वहाँ कम पड़ गई। तो मोटामोटी ग्रुप 1 में 149 है, तो बाकी लेकिन सब्जेक्ट में ग्रुप में अच्छे से हो गया। मतलब टोटल कितना है? 450 चाहिए होता है। 474। चलो, मतलब अब लोग सोचेंगे सर कि 450 की जगह 474 आए, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अब सोचो तीनों ग्रुप पास करना ही बहुत बड़ी बात है। तो हमारे यहाँ पे तो वैसे भी 70% 80% की वैल्यू होती नहीं है। ये स्कोर आएगा 52%, क्योंकि 450 इज अ हाफ मार्क, 20 साल की उम्र में क्लियर करना है। तो एक एम था, और जो मतलब होते गया, बिल्डअप होते जा रहा था कि रिजल्ट है, कल रिजल्ट है। ऐसी रिजल्ट आया, मैं तो बहुत जम के चिल्लाया, घर वाले बहुत खुश हो गए, सब मतलब मेरी फैमिली अच्छी बड़ी है जी। तो सब इतने खुश हो गए, जॉइंट फैमिली, तो सब इतने खुश हो गए, आसपास वालों को, जो हमारी शॉप है वहाँ के आसपास सबको मिठाई खिलाए, सबको आगे बिठाए, सबको बताया कि हो गया क्लियर, ये हो गया, तो सब बहुत खुश थे, और उनको खुश देख के मेरे को और ज्यादा खुशी, बिकॉज एट द एंड सब चीज हम उनके लिए ही करते हैं। आपको बताना चाहूंगा एक बात कि स्पर्श बिलोंग करता है गोंदिया से। गोंदिया इज वेरी स्मॉल टाउन, सिटी भी नहीं बोलूंगा मैं, छोटा सा एक विलेज, या विलेज थोड़ा अच्छा है, और नागपुर से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर आता है गोंदिया, छोटे से शहर से बिलोंग करता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि छोटे शहर से पास नहीं हो सकते लोग सोचते हैं, या मुंबई दिल्ली से हो सकते हैं, और आपने वो करके दिखा दिया अच्छे से। सो गोंदिया का बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम होती है कि गोंदिया से बिलोंग करता हूँ तो मेरा सक्सेस में थोड़ा हर्डल्स आएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बोलूंगा कि ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप कहाँ से हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपने जो मेहनत की है, बस वही एक आखिरी चीज मैटर करती है, कि जो आपने मेहनत की है, जो आपका डेडिकेशन है, मेन थिंग है डेडिकेशन। लोग भूल जाते हैं, मतलब बस CS कर रहे हैं,
कुछ और नहीं कर रहे, सीएस कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। अच्छा, मतलब किसी माँ बाप ने बोल दिया कि हाँ सीएस कर सीएस कर लो, लो, या तू क्या कर रहा, मैं तुझे सीए कर रहा हूँ तो मैं भी हाँ कर लेता मैं हूँ, भी कर लेता हूँ, तो बस पीयर प्रेशर के कारण सीएस कर रहे हैं वो कर रहे हैं। डेडिकेशन नहीं है तो नहीं होता है क्लियर, फिर बोलते हैं कि आईसीएसआई ने फेल किया, वो फेल किया, रीजंस बहुत हो सकते हैं, रीजन बट बहुत हो सकते हैं, हाँ बट बट मेन कोई स्टॉपिंग नहीं हो इम्पोर्टेंट सकता। अगर आपका डेडिकेशन हो और है, इंटरेस्ट हो तो नो बस वन कैन बस स्टॉप यू। बस देयर इज नो हर्डल। राइट राइट। अच्छा, अब ये तीनों ग्रुप पास करने का सोचा था पहले से कुछ कि क्या था मतलब, हाँ क्योंकि ये बात तो हाँ मैं समझ सकता हूँ, अभी आप बताओगे, पर मुझे लगता है कि एग्जाम फॉर्म के एग्जाम के 2 महीने पहले आपने सोचा होगा मैं तीनों ग्रुप दे दूंगा और पास हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ऐसा मुझे लगता है। पॉसिबल ही नहीं। सो क्या क्या मतलब कितने पहले स्टेपिंग स्टोन रखना पड़ता है एग्जाम के? अगर एग्जाम आपकी दिसंबर में थी ना, तो जी दिसंबर के एग्जाम के पहले कितना टाइम दिया था मतलब, कब से सोचा था? मेरा जैसे ही एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ तो वो मैं आई गेस फेब 2018 में क्लियर हाँ हुआ होगा। फेब में राइट क्लियर, राइट 25 फेब को रिजल्ट आया, जी। 28 फेब को ही मैं क्लासेस ज्वाइन कर ली, अच्छा ठीक है मतलब मैं पुणे शिफ्ट हो गया 2 दिन में ही, ठीक है ठीक है। और वहाँ पे सारी क्लासेस की, और जैसे ही रिजल्ट आया 25 फेब को, आई गेस 1 बजे आता है एग्जीक्यूटिव का, 2 बजे आता है। सॉरी हाँ 2 बजे आता है, तो 2:05 पे ही डिसाइडेड था कि मेरे को तीनों ग्रुप देना। परफेक्ट। तो वो उसी समय जब मेरा बिल्कुल माइंडसेट बन गया था, बिकॉज मेरे सामने स्टेज था, मैं उस समय 19 साल का था, तो मेरे सामने एक स्टेज था कि मैं 20 साल में बन सकता हूँ, बन सकता हूँ। तो आई थॉट कि क्यों ना उस अपॉर्चुनिटी को लिया जाए, तो मैंने बिल्कुल उस पर किया काम, किया अच्छे से मेहनत ओके, किया और बिल्कुल उस हिसाब से तैयारी की। तो 9 महीने की जर्नी कैसी थी? क्योंकि जितने बच्चे पास होते हैं एग्जीक्यूटिव वो जी तो जी रजिस्टर नेक्स्ट डे कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इफ यू डोंट रजिस्टर विद इन 3 डेज आपको तीन ग्रुप देने तीनों मिलेंगे ग्रुप नहीं। तो या रजिस्टर करना एक चीज है, जी बट वो चीज को मेंटेन करना है 9 महीने तक के, जी वो बहुत बड़ा एक हेडेक होता है। तो वो भी तो वो आपने कैसे किया? जैसे आपने क्लासेस शायद 2-3 महीने में कवर कर ली होगी, हाँ जी मार्च अप्रैल में कवर कर लिया होगा। जी अच्छा, जी उस समय आपको बीकॉम भी होगी फिर हाँ बीकॉम के भी तो, एग्जाम्स क्योंकि थे। लोग तो ये भी सोचते हैं कि सर हमारी बीकॉम, क्योंकि अब सारे बच्चों की एग्जाम जून में आने वाली है, जी 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 तो बिल्कुल बीकॉम भी हर्डल हो सकता है। तो व्हाट यू थिंक, जी बीकॉम वगैरह का कैसे मैनेज करेंगे फिर अभी? मतलब उस समय मैं बताऊंगा आपको कैसे हुआ था। जैसे ही मैंने डिसाइड किया मैं गया पुणे, तो वो हो गई, क्लासेस चल रही थी एंड ऑल। मेन सबसे मतलब सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती कि जब आप कोई और स्टूडेंट है, पास स्टूडेंट है, जो कर रहे हैं, जो जिनका एक अटेम्प्ट लग चुका है, दो अटेम्प्ट लग चुका है, तो उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि वो लोग बताते यार मेरा एक ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, दो नहीं हुआ, और मैं फिर सोच रहा था कि यार मेरे तो 3 है, तो सबसे बड़ा वो माइंडसेट का प्रॉब्लम आ जाता है वहाँ पे। अच्छा अच्छा वहाँ पे हम अपने आप मतलब क्या बोल सकते हैं, सेल्फ डाउट की सिचुएशन आ जाती है कि यार उसका एक नहीं हुआ, दो नहीं हुआ, मेरा 3 कैसे हुआ। बट आई स्टिल थॉट कि नहीं, वो जो हुआ उनका वो देखे यार, और जैसा मेरा है मेरे को वैसे करना है, तो तीनों ऐसे किया। और रही बात बीकॉम की, तो वो मेरे एग्जाम से मई में, और अच्छा वहाँ पे मेरी क्लासेस भी चालू थी, मेरे को क्लासेस छोड़ के बीकॉम का पेपर देने आना पड़ा था गोंदिया में, बिकॉज मेरा कॉलेज गोंदिया में गोंदिया था, में बराबर तो राइट। मैं सब कुछ वहाँ छोड़ के यहाँ आया, एग्जाम्स दिया, फिर वापस गया, बहुत ज़्यादा आई थी प्रॉब्लम्स, बट ठीक है प्रॉब्लम्स तो आप आएगी। साथ ही ये बता सकते हो कि आप बीकॉम तो बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक और मेरा चीज भी आप कर बीकॉम रहे चल हो, रहा है अभी। नहीं, और एक और चीज भी आप कर रहे हो जी शायद, जी वो बिल्कुल। बता सकते हैं आप एक बार क्या मैं कर रहे अभी मेरे मई में अभी CA इंटरमीडिएट की भी एग्जाम्स है, उसकी भी तैयारी चालू तो है। लास्ट टाइम भी एग्जाम्स मतलब इसके पहले भी पढ़ाई चल रही थी मतलब उसकी भी? नहीं एक्चुअली मतलब थोड़ा बहुत कर रहा था, हाँ एक्चुअली अगस्त के टाइम पे जब थोड़ी मेरी क्लासेस खत्म हो गई थी और सेल्फ मतलब CS की सेल्फ स्टडी भी चल रही थी, उसके साथ मैं CA के भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया कि भाई ये भी करना है अभी। ओके, तो मतलब एक एक साथ में आप ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट मैनेज कर रहे थे हाँ और जी हो भी गया आराम से। हाँ जी चलो, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो आप तो मुझे ये बताओ कि 3-9 महीने के बाद हम लोग कर रहे थे, तो जी 3 महीने में तो शायद आपकी एग्जाम सॉरी ये क्लासेस खत्म हो गई, फिर जी बाकी के सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे किया था? वहाँ पे एक ऐसा हो रहा था कि अभी एक सब्जेक्ट की क्लास है, फिर बाद में दूसरे सब्जेक्ट की क्लास है, बीच में कुछ गैप आ रही थी, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स भी चल रहे थे वो दिन, तो उसमें मेन दिक्कत ये आ जा रही थी कि खुद पढ़ने का टाइम नहीं बच रहा था, बिकॉज क्लासेस और एक होता है स्टूडेंट मेंटेलिटी की, अभी टाइम है पेपर में, तो पेपर चलो थोड़ा टाइम है, घूम के हाँ आते आराम से हैं कर लेते तो हैं। वो कर लेते, तो हाँ वो भी एक होता है, हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, मैं बिल्कुल झूठ होता नहीं है, नहीं बोलूंगा, ह्यूमन मेरे साथ भी मेंटेलिटी हुआ, है। हाँ राइट। तो वो हुआ मेरे साथ भी, पर एट देन क्या हुआ, सितंबर के बाद तो मेरा बिल्कुल फोकस था कि नहीं अभी 3 करना ही है, तो अच्छा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने व्हाट्सएप फेसबुक ये सब बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया था मेरा। और जैसे कुछ बच्चे बताते कि मैंने अपना बड़ा फोन रख दिया, छोटा फोन यूज कर रहा हूँ, मतलब नोकिया के जो फोन यूज करते, मैंने हाँ वैसा कुछ हाँ भी नहीं किया, हाँ सब हाँ सब डेस्क नॉर्मल था, जिम वगैरह जा रहा था प्रॉपर, सब सब कंटिन्यू था, बट ये था कि जो मेरी एक्स्ट्रा जो था मतलब जो वेस्ट ऑफ टाइम होता था वो मैंने पूरा बंद कर दिया। तो अभी आपने बोला मैं व्हाट्सएप कह रहा था, जिम जा सब कुछ जा रहा था, तो फिर जिम हाँ में 24 घंटे होते हैं, हाँ जी तो कितने घंटे, और 8 घंटे तो शायद होना चाहिए, जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हैं? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। तो पीपल से कि क्वांटिटी 15 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे, जी 10 घंटे, ये आवर्स की वैल्यू कितनी है? मैं बोलूंगा आज की वैल्यू है बट उतनी नहीं है, मेन डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पे। अगर आप क्वालिटी। दिन में 16 घंटे पढ़ रहे हो और कुछ माइंड में नहीं जा रहा, कुछ समझ नहीं रहा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ आप रट्टाफिकेशन कर रहे हो, तो वो कुछ भी मतलब नहीं करेगा, बराबर। बिकॉज वो 9 दिन जब एग्जाम्स रहती है ना, तो आपका रटा हुआ एक भी चीज आपको याद नहीं आने वाली,
एक भी चीज, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें जो हमको खुद मतलब रटनी पड़ती है। हाँ। कुछ सब्जेक्ट हैं ऐसे जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग के लिए मतलब हम थोड़े लीगल साइड में, तो वो कुछ टर्म्स थोड़ी दिक्कत जाती है, बट ठीक है उसको थोड़ा रटना पड़ता है, बट एग्जाम टाइम पे वो कुछ भी काम नहीं है। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ही आप एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। मतलब दिन भर में अगर 10-12 घंटा पढ़ सकते हैं तो मैनेजेबल है, बट पहले 2 घंटा पढ़ लिया और बाद में फिर वो सारे घंटों को एक साथ 15 घंटे कर रहे, वो ना करके एवरेजली अगर आप हर दिन 8 घंटा भी पढ़ लो एवरेज जी, या 7 घंटा भी पढ़ लो, क्योंकि मेरे को लगता है, मतलब स्पर्श भी उस पर कमेंट करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप एवरेज अगर 7 आवर्स पकड़ लो और डेली 7 आवर्स पढ़ाई करो, बट ये 15 घंटे वाले लोग कौन बताता हूँ मैं आपको, कि पहले 4 महीने 2-2 घंटा पढ़ाई करते हैं, फिर 4 महीने जब 2-2 घंटे का जब पढ़ाई करने के, जैसे जो 4-4 घंटे का बैकलॉग आया है, वो बैकलॉग के लिए वो अगले बार क्या करते हैं 12 घंटे पढ़ लेते हैं, बट वो ऐसे कभी कवर नहीं होता। तो उससे अच्छा बेटर आप 6 आवर्स 7 आवर्स या 8 आवर्स भी हो, 6 भी मैं तो बोलता चलो ऑन अ सेफर साइड, 6 घंटा डेली पढ़ो, बट वो डेली होना चाहिए, डेली होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। जी जी बिल्कुल, एक्चुअली कैसा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी सब्जेक्ट से लिंक बन रहा है। अगर एक बार आपने उस सब्जेक्ट को 1-2 हफ्ते तक छोड़ दिया तो फिर उसके बाद ना कंसेप्ट भी रहते ना वो थोड़े फेड हो जाते हैं, जैसे कि कमनी लॉ की बात हो गई, अब उसमें कोई कोई सेक्शन ऐसे जिसमें बहुत सारे प्रोविजन, बिल्कुल बायबैक हो गया, हाँ। अब अल्ट्रेशन में कुछ कुछ जगह पे बहुत प्रोविजन है, हाँ। तो वो ऐसा होता है कि अगर आपने उसको बाद में नहीं पढ़ा तो आप डेफिनेटली भूल जाओगे, तो चलो ठीक है एक बार भूलना ठीक है, पर उसका मेन जो भी क्रक्स है अगर वही माइंड से फेल हो गया ना, फिर कोई मतलब नहीं कितनी देर पढ़ने। तो ये बात बता दी आपने, तो 9 सब्जेक्ट पढ़ रहे जी, तो रोज के रोज 9 पढ़ना चाहिए कि एक दिन में मतलब एक महीने में पूरे एक निपटा लो। मैं स्टार्टिंग में तो कैसा हो रहा था कि जब जो मेरा मन कर रहा था ना मैं उस हिसाब से पढ़ा था, बिकॉज मेन मैटर करता है कि उस समय आपको जो सब्जेक्ट में लगे कि अभी ये कंफर्ट लेवल आ जाए। हाँ, और एंड में ऐसा हो गया था कि डेली एक सब्जेक्ट पढ़ना, मैं ऐसा किया था जब एग्जाम्स के 10 डेज पहले की बात है, 9 सब्जेक्ट्स हैं तो रोज एक पढ़ रहा था मैं, पूरा खत्म करना था मेरे को, मेरा ऐसे गोल था। तब ना जब पूरा एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के टाइम नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अगस्त से, मतलब एग्जाम के 4 महीने पहले, मतलब आप जैसे अभी आपने बोला कि अगर आपने 15 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ लिया तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बाकी 8 सब्जेक्ट को थोड़ा भूलने लग जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे अच्छा आपको अगर जैसे अगर मेरे मेजर बच्चे शायद यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव वाले हैं, तो आप 8 घंटे है और 8 सब्जेक्ट है तो आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे आपको लगता होगा कि भैया JIGL या ILGL ईजी है, यू कैन मैनेज इट फॉर हाफ एन आवर, आपने वैसे सबको तो इक्वल टाइम दिया होगा, नहीं नहीं IT या कोई सब्जेक्ट को थोड़ा कम किसी को ज्यादा, तो आपको समझना पड़ेगा, तो आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज देर आर पीपल हु आस्क मी कि सर 8 घंटे पढ़ना है और 8 सब्जेक्ट है तो डिवाइड बाय 8 कर दूं क्या, मतलब हर एक को 1 घंटा दूं क्या, ऐसा नहीं हो सकता, टैक्स को कॉस्ट को ज्यादा टाइम लग सकता है, FM टैक्स को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्चुअली कैसा हो जाता है ये जो मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, क्लास का अलग, फिर क्लासेस का अगर कुछ होमवर्क रहा तो वो अलग, खुद की प्रैक्टिस के अलग, कोई बुक लेकर के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, जैसे ICSE की प्रैक्टिस मैनुअल आती थी वो भी सॉल्व करना, जैसे एग्जीक्यूटिव में अकाउंट्स है तो अकाउंट्स को बहुत टाइम देना पड़ता है बिकॉज़ अच्छे से सॉल्व करना, बट अकाउंट्स के ग्रुप में एक ILGL सब्जेक्ट है, हाँ, उसको थोड़ा कम दे सकते हैं, बस वही है, मेन थिंग इज कि आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है, आप किसी और के ऊपर नहीं चल सकते, भले ही कोई भी आपको बोले, आपका खुद कोई भी हो जिसने क्लियर किया हो वो भी बोले या मैं भी बोलूं, बट जैसे आपके लिए फिजिबल है आप वैसे ही कीजिए, मतलब अकाउंट्स और ILGL छोड़ो, मैं तो बोलता हूं ILGL के अंदर में भी किसी को कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इजी लगता होगा और किसी को कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बहुत बड़ा सब्जेक्ट लगता होगा, टॉपिक लगता होगा, तो चैप्टर चैप्टर भी वैरी करता है, मैं पढ़ाता हूँ कंपनी लॉ तो मेनी पीपल से कि सर मीटिंग्स बहुत ईजी है, जबकि कई बोलते सर मीटिंग्स तो दिमाग में घुसता ही नहीं है, तो एक एक टॉपिक वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, सो इसलिए किसी भी पूछो मत, आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि कोई बंदा आपको बोलेगा उसके एंगल से तो वो आपको अपने आप पे थोप नहीं पाओगे, तो ये एक पॉइंट मुझे लगता है राइट। और ये तो हो गया आपके पूरे स्टडीज का, अब मुझे बताओ कि इसके अलावा आपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया, जो स्ट्रेस होता था बेसिकली। जी जी, स्ट्रेस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब हमारी जो भी प्रोफेशनल एग्जाम्स है ना ये मेन हमारा नॉलेज चेक करते हैं और हमारा स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहे हैं, मेन ICSE का वो पेपर्स के बीच में लीव नहीं देने का मेन यही रीजन है कि बच्चे स्ट्रेस मैनेजमेंट और अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, बिकॉज ICSE वही देखना चाहता है कि आगे चल के आप कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो, तो बहुत ऐसी सिचुएशंस आएगी आपकी कंपनी में जहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा, पूरी अथॉरिटी आपका, मतलब मैं खुद भी जॉब किया हूँ तो रात को 2 तक के जॉब करके वापस आना पड़ा, बिल्कुल, तो 4 घंटे की नींद होती थी, एक जमाना ऐसा निकला है जब IT ग्रेड पड़ रही है सेम टाइम पे सर्विस टैक्स ग्रेड पड़ रही है सेम टाइम पे सेवी ग्रेड पड़ रही है और मैं 2-2.5 बजे घर पे जा रहा हूँ और वो भी मेरे साथ में 2 लोग फॉलो कर रहे हैं, सुबह 6 बजे वापस लेके आना पड़ रहा है क्योंकि
उनके साथ फॉलो करना है। जी जी तो ठीक है, तो ये आपने पॉइंट उठाया। तो अभी आजकल बहुत बड़ा हाइप चल रहा है इस जी बात को लेके हाँ कि 1 डे गैप होना चाहिए। अब आपने 9 पेपर दिए, हाँ अगर उसमें भी वन डे गैप गैप अगर मिले हाँ तो आई गेस 18 दिन का पेपर होगा। 18 दिन का। और आप मुझे बताओ कितना टाइम सोते थे आप एग्जाम के समय? एग्जाम के समय एग्जाम के पहले तो आराम से रेस्ट हो जाती आराम है, से रेस्ट मैंने होगा खुद ना। बोला 8 घंटा होना चाहिए, जी जी बट बिल्कुल एग्जाम के समय तो प्रेशर होता ही है। जी जी बिल्कुल। तो बट फिर भी मैंने ये ट्राई किया कि एटलीस्ट 6 आवर्स की स्लीप हो जाए, हो बिकॉज जाए। 9 पेपर है, मेरे को पूरा अपना माइंड वहां लगाना है एग्जाम्स में, बिकॉज पढ़ते सब है मेन। जिसका वो 3 आवर्स में प्रॉपर माइंडसेट रहा, प्रॉपर उसका सब क्लियर रही चीजें, तो वो ही क्लियर हो गए, तो आप क्योंकि 6 आवर्स हो रहे थे वो भी 9 डेज के लिए। जी तो बिल्कुल। अगर यही पेपर 18 डेज चल जाए तो आपको और सर्वाइवल में प्रॉब्लम हो सकती जी है जी ना। मेन। अच्छा 6 आवर्स मैंने बोला कि ट्राई कर रहा था, कोई कोई पेपर में हो रहा था कि 4 आवर्स 3 आवर्स, जैसे टैक्स का पेपर था तो सीएस प्रोफेशनल में कैसा था टैक्स की हमको, मतलब इनकम टैक्स भी था उसके ऊपर, इंटरनेशनल टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, और वो भी बिना गैप के। तो आई गेस 6 या 7 आवर्स में मेरे को पूरा टैक्स खत्म करना था, अच्छा। तो उसमें मेरी इतनी नींद नहीं हुई। तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी में अच्छे से हो गई, जैसे एक संडे आया था तो वो गैप था, तो उसमें मेरी अच्छे से नींद हो गई, तो ग्रेट। वो भी बहुत था कि स्लीप मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो भाई स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सब बिल्कुल कुछ आ बिल्कुल। जाता है बिकॉज बिकॉज टैक्स का पेपर है, तो इसमें। वहां पे ऐसा नहीं कि आपने कुछ पढ़ लिया आपको याद हो गया मान लिख लोगे, वहां पे पूरा माइंड चलाना है माइंड चलाना आपको, पड़ता है, पूरे राइट। प्रोविजन एक साथ याद होने चाहिए, ऊपर से मैथ्स भी है उसमें, बिकॉज टैक्स है तो सारा कैलकुलेशन है, तो वो भी सब सही होने चाहिए। तो मेरा यही डर था कि मैं सोया नहीं हूँ कि नहीं हो पाएगा, बट मैंने ये ट्राई किया कि जितनी, तो मैं जैसे उठा सुबह को, तो फिर मैंने मतलब हाफ एन आवर का नैप लिया, उसके बाद पेपर। तो ये पेपर के टाइम पे जो बच्चे लीव मांग रहे हैं वो शायद इससे मांग रहे हैं क्योंकि उनको शायद समझ नहीं आ रहा कि मैनेज कैसे टाइम कैसे मैच। किया तो क्योंकि आपके पास शायद एग्जाम 12-24 का पेपर है, जी सॉरी टाइम है, उसमें 3 घंटे एग्जाम के, जाना ना मिला के 5 आवर्स हो गए, या तो और सोने के लिए 5 आवर्स तक कर लो, तो 14 आवर्स से 13 आवर्स में कैसे पढ़ना है जी बिल्कुल। तो ये थोड़ा बताओ, क्योंकि आपने तो बैक टू बैक 9 पेपर दिए हाँ तो, और वो भी शायद 12 आवर्स के अंदर में, क्योंकि 24 आवर्स में से 3 घंटे पेपर देने जा रहे हो, ट्रैवल पे 2 घंटा लग रहा है, और रेस्ट भी अलग रेस्ट भी है, अलग है, थोड़ा खाना पीना और थोड़ा तो बेसिक बिल्कुल एमिनिटीज बिल्कुल जो रहती बहुत है वो बेसिक तो है, टोटल 10 से 12 घंटे तो जाते ही जाते हैं। तो अब बचे बिल्कुल 12 घंटे, 12 घंटे में अगर आप पूरा रिवाइज कर रहे हो जी। तो वो 12 घंटे में तो नहीं हो रहा है, वो नहीं पहले की वो प्लानिंग पहले है। का है तो वो थोड़ा सा क्लियर करिए एक बार। जी मैं बताना चाहूंगा, जैसे 2 से 5 पेपर था अभी दिसंबर में, तो मैं जैसे मतलब ये अच्छा हुआ कि एग्जाम सेंटर मेरे मतलब जहाँ रहता था वहां के पास पास था, ही था, ठीक है, तो 10 मिनट्स हार्डली 15 मिनट्स का बट ये था। सबको सौभाग्य नहीं मिलता जो मुंबई हाँ रहते दिल्ली बस रहते, सबको बस जरूरी वही नहीं है, जी जी राइट। हाँ बट फिर भी कैसा होता था कि मैं जैसे 5:30 तक अगर घर आ गया, उसके बाद भी ना मैं एटलीस्ट 1 आवर ना कुछ भी नहीं करता था, मतलब या तो आराम से रेस्ट रिलैक्स। किया, हाँ या फिर कुछ यूट्यूब पे कुछ फनी वीडियो देख लिया, कुछ ऐसे देख लिया, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं करता था स्ट्रेस एग्जाम में, स्ट्रेस रिलीव करने की बिकॉज कोशिश, वो ठीक जो है, मैंने एक मतलब जो मेरे पुराने पेपर का मैंने पढ़ा है, तो बस वो माइंड से निकल गया, अच्छा। और पूरा मैं एकदम से नहीं, बिकॉज कैसा मेन सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि हमारे इसमें 3 मॉड्यूल्स है, जैसे मतलब तीन बराबर ग्रुप्स हैं, तीन ग्रुप्स हैं। तो अभी जैसे मेरा एक ग्रुप खत्म हुआ और सेकेंड ग्रुप का पेपर मेरा बिल्कुल बैक मतलब जस्ट नेक्स्ट डे पे गया। अब मेरा वो ग्रुप का अगर पेपर अच्छा नहीं गया, मेरे को अगर पता है, सपोज अगर मेरे को पता है कि मैं फेल होने आ रहा हूँ, बट मेरा ये अभी अलग ग्रुप है, तो मेरे को पूरी तैयारी के साथ मतलब वो गंदा पेपर जाने के बाद भी पूरी तैयारी के साथ नेक्स्ट डे मेरे को आना है, और पूरा अपना जितना मेरे से हो सके उतना मेहनत करना, तो वो एक दिक्कत है। चलो अभी एक नॉर्मल क्वेश्चन जो हमें मुझे लगता है पूछना चाहिए, वैसे तो आई नो इसका आंसर क्या होगा, कि रट्टा चल जाता है कि डेप्थ नॉलेज चाहिए रहता है पढ़ाई नहीं, एग्जाम मैं पास करने के लिए? जैसे मैंने आपको बताया रट्टा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी नहीं और इस पे भी नहीं, फाउंडेशन लेवल पे तो चलो ठीक है जितना आपसे हो सके उतना क्योंकि वहां पे कीजिए। एग्जाम भी वो सबसे वो जी जी सर्कल वाली बिल्कुल आती है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। बाकी तो एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में जहाँ पे इतने सारे पेपर्स और बैक टू बैक बोलना चाहिए, बिकॉज गैप तो नहीं है, गैप भी रहेगी तो भी आप उतना कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको हाँ। बताना चाहूंगा गैप जितनी भी रहेगी ना, पढ़ना उतना ही है जितना आप एक दिन में पढ़ेंगे, जो मेहनत एक एक दिन में होगी वही 2 दिन में होगी, तो वो बस सिंपल सी यू बात हैव है, टू। मैं बताता हूँ, एक अजीब एग्जाम्पल लगेगा लेकिन वैसी वाली बात है कि आप एक जाते हो रिसेप्शन में, है ना, रिसेप्शन में आप भी कहूँगा जी जाते जी ही है, बिल्कुल और वहाँ पे मेन्यू होता है किसी होटल में रेस्टोरेंट किसी पार्टी में जी 10 आइटम जी होते हैं, और बड़े बड़े इस रईस वाले पार्टियों में 100 आइटम होते हैं, जी जी तो क्या 10 आइटम होते हैं तो हम खाना उतना खाते हैं और 100 आइटम में ज्यादा खा लेते हैं कि नहीं उतने खाना होता जी जी है ना? बिल्कुल तो मुझे लगता है कि जितना हमारा कैपेसिटी है, एक बंदा एवरेज भी 300 से 400 ग्राम खाना खाता है, दैट्स इट। अब मेन्यू में हम 100 आइटम भी रख रहे हैं ना, तो भी पेट नहीं, पेट में उतना जाता है जितना जाना चाहिए। तो कहने का मतलब वही है कि टाइम उतना ही मिलेगा आपको पढ़ने की जितना आपको चाहिए। आपको 3 घंटे का गैप दे दूँ, आप खुद बीकॉम देते हो, 4-4 दिन का गैप शायद वहाँ होता है, तो हाँ क्या पढ़ते हैं हम? उसमें नहीं पढ़ते क्योंकि हमको मालूम है कि वो साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है। टाइम मैनेजमेंट पहले से करना होता है, 6 महीने से, एग्जाम के दिन तो एक सिर्फ उसकी परीक्षा होती है कि आपको जी हाउ यू बिल्कुल मैनेज, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। जब आप सीएस बन जाएंगे, जी बोर्ड मीटिंग होगी, जी अमल कन्वेंशन है, मर्जर हो रहा मर्जर है, जी रेड पड़ रही है, कुछ हो रहा है,
हाउ यू कोप अप विद द चेंज ऑफ सिनेरियो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको, इसलिए ये पॉइंट बहुत अच्छी बात बोली आपने। और आईसीएसआई ने भी जैसे मतलब ये सारा डिसाइड किया होगा एग्जाम स्ट्रक्चर, तो उन्होंने भी यही सब सोच के किया होगा, बिकॉज वो ऐसे तो नहीं कि चलो ठीक है रख देते रहे, उन्होंने भी प्रॉपर सब जो कमिटीज होगी उन्होंने सब मतलब स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए ध्यान में वैसे ही बनाया होगा स्ट्रक्चर। और व्हाट्सएप पे आपने पहले कमेंट कर दिया वैसे, लेकिन व्हाट्सएप वगैरह का क्या है, मतलब व्हाट्सएप सोशल मीडिया एफबी यूट्यूब जहाँ पे बच्चे भी वीडियो देख ही रहे वैसे जी, तो ये डिस्ट्रैक्शन भी है कि फायदा है कैसा है मतलब सोशल मीडिया? दोनों है, ये अभी स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने एग्जाम के टाइम पे कुछ भी बंद नहीं किया था, मैं खुद बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम देके आता था ना तो यूट्यूब पे कुछ फनी वीडियो देख लिया या किसी फ्रेंड से व्हाट्सएप पे चैट कर ली 5 मिनट, तो उससे क्या कुछ अच्छा लगता था, रिलीफ होता था स्ट्रेस से। बट कैसा होता है कुछ बच्चे ने कुछ ज्यादा ही यूज करते, जैसे मैंने देखा है कुछ मेरे फ्रेंड्स थे तो वो जैसे एग्जाम देके आते थे तो फिर वो मेरे को मैसेज करेंगे 8-9 बजे भी, ये कहाँ तक हुआ क्या हुआ। फिर अच्छा मेन कैसा है, आप किसी और से बात ही मत करो उस समय, आप खुद अगर आपको डाउट है तो आप बात करो, अगर आपको डाउट नहीं बस ऐसे ही पूछना है किसी से कि क्या हुआ कितना पहुंचा कि पेपर होने के बाद पेपर फाड़ दो आप, वो तो पेपर कुछ नहीं हो सकता, आप चेंज नहीं कर पाओगे पेपर तो पहले फाड़ दिया जाए। मैंने आपका ही शायद मतलब फर्स्ट पेपर था जब, तो आपने सुबह को वीडियो डाला, हर बार ही बोलता हूँ 2 साल से मैं हर साल बोलता हूँ पेपर आने के बाद फाड़ दिया करो। मैंने वही सुन के मैं जैसे एग्जाम देके आ रहा था कोई भी, बिकॉज मेरे को देने 9 पेपर थे, चाहे कुछ भी हो जाए, मे भी हो सकता था कि कोई पेपर ना निकले नहीं हो, बट मैंने वो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को पेपर देखना है चेक करना है। मेरे एग्जाम्स होने के बाद भी मैंने चेक नहीं किया कि मेरे को कितने मिल रहे हैं क्या मिल रहे हैं, मेरे को ये पता था कि मैंने मेहनत की है और जो होगा ठीक है, जो मेहनत की है बिकॉज अभी तो कुछ बदल नहीं सकते, जो एग्जाम्स में किया वही किया। और एग्जाम के समय में भी आप कुछ नहीं बदल, एकदम से कुछ नया सिलेबस पढ़ रहे हो आप, कुछ नई बुक पढ़ रहे हो, कुछ मदद नहीं करने वाला, जो आपने स्टार्टिंग से मेहनत की है इसमें वही एंड में आपको बस जाके दिखाना है वहां पे कि मेरे को ये आता है। और हमारा जो पेपर जो सीएस का पेपर स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल लॉ बेस्ड ज्यादा होता है, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन सीधे वाले नहीं आते, केस लॉ ज्यादा आते हैं। तो अपने बात ऐसे करी ली कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा चाहिए, बट अगेन केस लॉ के लिए भी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए नॉर्मली? केस लॉ के लिए सर मैं बोलूंगा कि मतलब जितना हो सके ना कुछ केस लॉ की बुक रेफर करें, जैसे आपकी केस लॉ कैप्सूल है मैंने तो वही रेफर किया, कोई और अगर कहां कोई और टीचर के पास पढ़ रहा है तो उनकी जो केस लॉ बुक, बिकॉज कैसा है हमारे पास ना केस लॉ, हम लोग लॉ पढ़ लेते हैं हमको प्रोविजंस पता है, अप्लाई कहाँ करना है हमको यही नहीं पता। मेरे साथ खुद ये दिक्कत जा रही थी एग्जीक्यूटिव में, बहुत दिक्कत थी बिकॉज एग्जीक्यूटिव में पहले सेल्फ करने की कोशिश किया था तो मेरे को मैंने सारे प्रोविजन पढ़ लिया, मेरे सेक्शन तक याद हो गए, पर जब एग्जाम में पेपर आया तो ये आया, मैं बोला इसको अप्लाई क्या करूँ, कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे, कुछ वहां समझ में नहीं आ रहा। तो वही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमको पहले ये रेफर करना है या फिर जो आपके टीचर्स होंगे जो भी, तो आप उनसे पूछिए कि इनको कैसे अप्लाई करना है प्रोविजन को, और जो एग्जीक्यूटिव में है वो जितना ज्यादा हो सके कुछ पेपर्स देखे पुराने, उनसे कुछ मदद ले कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए। वैसे आईसीएसआई रिपीट नहीं करता क्वेश्चन, मोस्टली कंपनी लोगों को नहीं करता, नहीं करता है बिकॉज वो कोर सब्जेक्ट है तो उसके तो नहीं करता, बाकी में हो गए तो ठीक है, तो पर एक आइडिया मिल जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे अब अभी तो नहीं है प्रोफेशनल में कंपनी लॉ हट गया है, हट गया ठीक है, बट पहले था तो पहले कैसा एग्जीक्यूटिव में भी कम मिला, इस पे क्लियर कर दूंगा क्योंकि लोगों को भी मुझे बोलते हैं सर एडवांस कंपनी लॉ हट गया है, कंपनी लॉ हटा नहीं है जी, उसको उन्होंने प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन किया है, सीआर जो है वो कंपनी लॉ का पार्ट है, अमल कमीशन मर्जा सेक्शन 232-240 जी, ड्राफ्टिंग में भी कहने की ड्राफ्टिंग और रिजोल्यूशन नोटिस आती है वो चला गया, लिस्टिंग डिलिस्टिंग चला गया अलग से, ठीक है, एथिक्स है, गवर्नेंस है, सेक्रेटरी ऑडिट है, ड्यू डिलिजेंस है। हमारी जो बात हुई थी एग्जाम कमेटी वालों सबसे तो उनका वही कहना था कि हमने कंपनी लॉ को डिवाइड करके प्रॉपरली चैनलाइज किया है, तो कंपनी लॉ हटा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, तो क्योंकि एग्जीक्यूटिव में जो रहता था बच्चों को पढ़ते थे वही चीज, अब उन्होंने कहा कि हम वापस आपको ट्रांसफर ट्रांसमिशन नहीं पढ़ाएंगे बट ट्रांसफर डीड बनाने बोलेंगे, तो तरीका उन्होंने बदल दिया, तो वो जो उन्होंने हाँ तो आप बोल रहे थे कुछ राइट, हाँ तो वही जैसे अब उन्होंने एक मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं रखा है, तो अब कैसा एग्जीक्यूटिव में भी था प्रोफेशनल में भी था, तो लोगों को लगता था जैसे एग्जीक्यूटिव में हो गया प्रोफेशनल, बट एक जो होता है लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत अलग रहता है, अलग हो जाता है। मैंने दोनों दिए हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव में था तो उसमें कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते थे, डिफरेंट आ जाते थे जी बिल्कुल, और यहाँ प्रोफेशनल में रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करना, मीटिंग का कभी कभी नोटिस ड्राफ्ट करने आ जाता है, कभी कभी फॉर्म जो है जो ऑनलाइन फॉर्म्स है जो नॉर्मल स्टूडेंट देखता भी नहीं, जो हम मतलब हमको चैप्टर है पर कोई नहीं देखता, कभी कभी उनकी कंटेंट पूछ लेगा कि चार्ज का जो फॉर्म है जैसे कि CAG 4 है, CAG 1 है, CAG 7 जो अपना है, रजिस्टर का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो वो भी पूछ लेता है, मैंने देखा है बैक एग्जाम्स में, हालांकि मेरी एग्जाम्स में ऐसे कुछ नहीं आया था बट आ सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है, और अभी तो आना भी चाहिए क्योंकि
ये प्रोफेशनल लेवल में तो बच्चा अगर सीएस बन जाएगा तो जी जी बिल्कुल हम किसी को पास नहीं कर सकते जो बंदे को नहीं पता है, तो जी चेक करना बहुत जरूरी बनता है। सही बात है, तो इसलिए वो पूछते हैं। तो मुझे लगता है केस लॉ या फिर लीगल बेस्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपना ब्रेन शार्प रखना जरूरी है, बहुत क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ नहीं रहे, व्हाट इज मेमोरेंडम आर्टिकल और हम लिख के आ गए, तो ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है ना। चलो फाइनली मुझे लगता है एक बार आप बहुत सारी बातें हमने कर ली है, जी एक फाइनल वर्ड्स आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे बच्चों को, क्योंकि सारे लोग आपको देख रहे हैं यहाँ पे, कई सारे लोग, और दे विल बी टेकिंग यू एज अ इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कि हाँ हम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप तीन ग्रुप कर रहे हैं यहाँ पे, कई बच्चे हैं जो प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव है, उनको दो ग्रुप पास करना है, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल यू गाइड इन नटशेल, शॉर्ट में क्या बोलना चाहेंगे? इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से कि जितना भी हो सके ना, आप अपना पहले माइंड में एक क्लैरिटी रखिए कि आपको एग्जैक्टली कितने ग्रुप देने हैं, या एग्जैक्टली आपको एंड में करना क्या है, मेन आपका गोल क्या है। मतलब जैसे मैंने बहुत बच्चे देखे कि यार चलो तीन ग्रुप डाल देता हूँ, एग्जाम फॉर्म में भर देते तीन ग्रुप, आखिरी में देखेंगे जितना हुआ वो देंगे। मेरी भी एक फ्रेंड है, तो उसने मतलब तीन ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल की थी, बट एंड में क्या हुआ कि उसने एक ग्रुप ड्रॉप कर दी, नहीं हो पा रहा है। तो आई वाज लाइक कि पहले पूरा अपना माइंड में क्लैरिटी रख लो कि मेरे को ये करना ही है, और सबसे बड़ी बात है डेडिकेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेहनत भी डेडिकेशन के साथ ही होती है, अगर आपका डेडिकेशन नहीं है ना तो आप उसमें मेहनत नहीं करते होती है। अगर आपका फुल डेडिकेशन है ना तो आप दिल लगा के अच्छे से मेहनत करोगे। अगर आपके माइंड में ये क्लियर है कि मेरे को कुछ भी हो जाए सीएस बनना ही बनना ही, हाँ, तो वो वन कैन स्टॉप यू, बिल्कुल, मतलब देयर इज नो हर्डल। मतलब आपने एक बार डिसाइड कर लिया, और ऊपर से गाइडेंस के लिए बहुत टीचर्स हैं, इतने सारे आप किसी मेंबर से पूछ सकते हो, या टीचर्स हैं, आप हैं, और भी टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे अपना अपलोड करते हैं, या जहाँ भी बच्चे पढ़ते होंगे, तो उनसे आप गाइडेंस लीजिए बार बार। मैं भी सर से बीच बीच में बहुत पूछता था, मैं सर को बहुत परेशान किया एग्जाम्स के बीच में, बार बार कॉल करता था कि सर नहीं हो रहा, मतलब इसमें दिक्कत जा रही है, ये दिक्कत हो रही है, मैं सर से बहुत पूछ, भले ही मैंने सर के पास सिर्फ एडवांस कंपनी लॉ ही लगाया था, बट मैं बहुत सारे सब्जेक्ट का सर से पूछ, बिकॉज सर एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, तो बहुत सारी चीजें सर को जो पता है, तो वो हमें वैसा नॉलेज लेना चाहिए सर से। बस मैं यही बोलना चाहूंगा लास्ट में कि जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उतनी कीजिए, जितना आप अपना माइंड को शार्प करेंगे, जितना माइंड की पावर को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि बिकॉज इतने सारे पेपर्स हैं, गैप नहीं है, और ऊपर से कोर्स अच्छा वास्ट है, वास्ट नहीं बोलूंगा डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड वास्ट, ठीक है वो तो होना ही है, इतना अच्छा प्रोफेशनल, उम्र बढ़ती है तो वास्ट तो ठीक है, वो तो लाजमी है, और एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है, इंडिया की तीन प्रोफेशनल डिग्रीज में से एक है सीए सीएस सीएम, तो इतना बड़ा आप प्रोफेशनल बनेंगे आगे जाके तो आपका टेस्ट तो होना ही है। तो बस वही है कि अच्छा डाइवर्सिफाइड है, सीखने को बहुत मिलता है, मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सीखने को इतना मिलेगा आपको, आप अगर अच्छे से उसको ध्यान देंगे, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उसको पढ़िए, एग्जाम देनी है उससे तो पढ़िए, बट सीखने के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे ना, तो और अच्छे से पढ़ाई होगी, और दिल लगा के पढ़िए, फन आएगा आपको पढ़ने में, मतलब बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में, और सब अच्छा होगा। चलो थैंक यू स्पर्श, थैंक यू, अच्छा लगा आपका विजिट यहाँ पे, मुझे भी बात करके अच्छा लगा आपसे, क्योंकि नॉर्मली एज अ स्टूडेंट मैंने हमेशा बात की, लेकिन अभी एज अ प्रोफेशनल हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे जितने भी लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको भी फायदा होगा, जो टिप्स इन्होंने बताई है, जो हमने इंटरेक्शन किया उससे कुछ अगर आप सीख ले पाए, और उसको अगर थोड़ा भी इंकलकेट कर पाए अपने डे टू डे हैबिट्स में, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो फायदा होगा ही, ऐसा तो नहीं होगा कि ये वीडियो रातों रात आपको बदल देगा, बट आप जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इनपुट आपको मिलेगा, ठीक है ना। और आपको भी बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, सीएस आप क्लियर हो चुके हो, सीए की एग्जाम आपकी अभी मई में है, जी जी, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि 21 साल में सीए भी बन जाए, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ऐसा हो जाए, और हम देखना चाहेंगे इनको आगे जाके जब किसी बड़े कॉर्पोरेट में जाके ये जॉब करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे जैसे भी, आई लाइक टू अगेन कॉल यू इन माई स्टूडियो, और फिर हम दो तीन साल बाद फिर एक बार बात करेंगे और अपनी जर्नी फिर से एक बार आप शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई विल साइन ऑफ राइट नाउ एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।